तो नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक और लाइव स्ट्रीम में। तो मैच नंबर 23 चलता हुआ यहाँ आईपीएल 2024 पंजाब किंग्स वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद के बीच ये मैच चलता हुआ। पंजाब किंग्स ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का निर्णय लिया। हैदराबाद के लिए अच्छी शुरुआत नहीं हुई थी, पर हैदराबाद अब वापस आई है इस मैच में। काफ़ी बढ़िया पार्टनरशिप हुई अब्दुल समद और नीतीश रेड्डी के बीच। नीतीश रेड्डी ने खासकर काफ़ी बढ़िया बल्लेबाजी की है और 50 जड़ी पहली अपने आईपीएल इतिहास की। और काफ़ी बढ़िया पार्टनरशिप अब्दुल समद और नीतीश रेड्डी के बीच, 19 बॉल में 50 रन की पार्टनरशिप। और हैदराबाद बिल्कुल वापस आ चुकी है इस मैच में। शानदार वापसी हैदराबाद के बैट्समैन से। नीतीश रेड्डी 36 बॉल में 64 रन बनाकर खेलते हुए शानदार बैटिंग नीतीश रेड्डी ने कर कर दिखाई है। और 16 ओवर में 146 पर 5 है स्कोर सनराइजर हैदराबाद का। 17वां ओवर लेकर इस पारी का आए हैं अर्शदीप सिंह। अर्शदीप सिंह की पहली गेंद पर चौका लगा अब्दुल समद को, चौका मिला पहली गेंद पर। उसके बाद तीसरी गेंद पर चलता किया अर्शदीप सिंह ने अब्दुल समद को चलता किया और अर्शदीप सिंह के लिए तीसरा विकेट इस मैच का। शानदार गेंदबाजी किया अर्शदीप सिंह ने। तो 16.4 ओवर का खेल हो चुका है यहाँ और 151 पर 6 स्कोर है सनराइजर हैदराबाद का। 20 गेंदें अभी भी बाकी इस इनिंग में। नीतीश रेड्डी अभी बैटिंग करते हुए, बढ़िया बैटिंग करते हुए, और अर्शदीप सिंह काफ़ी बढ़िया गेंदबाज। और नीतीश रेड्डी को भी चलता कर दिया है यहाँ अर्शदीप सिंह ने। एक और विकेट अर्शदीप सिंह के लिए, चौथी विकेट इस मैच की अर्शदीप सिंह के लिए। शानदार गेंदबाजी, 2.5 ओवर डाले हैं अर्शदीप सिंह ने अभी। 13 रन दिए और 4 विकेट, 4 महत्वपूर्ण विकेट, 2 पहले ओवर में और अब 2 इस ओवर में। अर्शदीप सिंह शानदार गेंदबाजी, और नीतीश रेड्डी जो कि सेट बल्लेबाज थे हैदराबाद के लिए, उन्हें भी चलता कर दिया है। पहले अब्दुल समद को और अब नीतीश रेड्डी को चलता किया अर्शदीप सिंह ने। शानदार गेंदबाजी अर्शदीप सिंह से, और एक बढ़िया पार्टनरशिप को तोड़ा। दोनों सेट बल्लेबाजों को वापस भेज दिया अर्शदीप सिंह ने और पंजाब किंग्स की वापसी करवा दी है अर्शदीप सिंह की इस गेंदबाजी ने। 37 बॉल में 64 रन की पारी खेली नीतीश रेड्डी ने। बढ़िया पारी हुई जिससे मैच में बनी हुई है हैदराबाद अभी भी। शानदार बैटिंग कर कर गए हैं नीतीश रेड्डी। तो अर्शदीप सिंह का कमाल का स्पेल, 4 विकेट मिल चुकी है उन्हें और अभी भी एक और बाकी है अर्शदीप सिंह का। इसके बाद शानदार गेंदबाजी अर्शदीप सिंह से। तो पंजाब किंग्स के लिए बढ़िया मैच रहा है, पंजाब किंग्स के बॉलर्स के लिए, खासकर अर्शदीप सिंह के लिए जो कि 4 विकेट ले चुके हैं। हैदराबाद के लिए नीतीश रेड्डी ने एक अच्छी पारी खेली है 37 बॉल में 64 रन की। तो ये मैच काफ़ी बढ़िया चलता हुआ यहाँ, हर ओवर में मैच पलटता हुआ। कभी पंजाब के फेवर में दिखता है तो कभी हैदराबाद के। तो अब 17 ओवर का खेल हो चुका है यहाँ और हैदराबाद का स्कोर है 152 रन। 17 ओवर के बाद बोर्ड पर है 152 रन 7 विकेट के नुकसान पर। तो बची हैं 18 गेंदें, 3 ओवर बचे हैं इस इनिंग में। देखना होगा कितना स्कोर बना पाती है बचे हुए 18 गेंदों में हैदराबाद की टीम। 17 ओवर का खेल हो चुका है, 18 गेंदें बची हैं इस इनिंग की और 7 विकेट भी गिर चुकी हैं हैदराबाद की। तो 3 ओवर में क्या कुछ बड़े रन बना पाएंगे हैदराबाद के बल्लेबाज और एक अच्छा स्कोर तक पहुंच पाएंगे, देखने वाली बात। जो कि पैट कमिंस बैटिंग पर आए हैं, शहबाज अहमद के साथ बैटिंग करते हुए पैट कमिंस अभी अभी क्रीज पर आए हैं। 18 गेंदें बची हैं, पैट कमिंस और शहबाज क्या कुछ बड़े शॉट लगाकर फिनिश कर सकते हैं अपनी टीम के लिए। जो कि शहबाज बढ़िया बैटिंग करते हैं, बड़े बड़े हिट भी लगाते हैं और पैट कमिंस ने भी काफ़ी बार दिखाया कि वो अच्छी बैटिंग करते हैं। तो बची हुई 18 गेंद, कगिसो रबाडा का ओवर, 18वां ओवर लेकर पहुंचे हैं कगिसो रबाडा। तो क्या 18 गेंदों में एक अच्छा फिनिश कर पाएगी हैदराबाद या फिर पंजाब किंग्स एक बढ़िया बॉलिंग एफर्ट कर कम रनों पर रोकेगी, देखने वाली बात। तो 17 गेंदें इस इनिंग की बाकी हैं, 153 रन बोर्ड पर है। तो 17 गेंदों में कम से कम 30-35 रन यहाँ बनाने को देखेगी हैदराबाद ताकि 180+ कर पाए। 180+ इस पिच पर अच्छा टोटल हो सकता है, जो कि पिच में काफ़ी स्विंग है पेस बॉलर्स के लिए। बढ़िया बढ़िया ये पिच पेस बॉलर्स के लिए और बैट्समैन के लिए भी अच्छी पिच, क्योंकि बैट पर बॉल भी आ रही है। तो बची हुई 17 गेंद पैट कमिंस और शहबाज अहमद मौजूद हैं हैदराबाद के लिए। तो क्या कुछ कर पाएंगे देखने वाली बात। कगिसो रबाडा और अर्शदीप सिंह काफ़ी बढ़िया गेंदबाजी की है। रबाडा थोड़े महंगे साबित हुए हैं, 3 ओवर में 29 रन दिए रबाडा ने। तो 17.2 ओवर का खेल हो चुका और 154 पर 7 स्कोर है सनराइजर्स हैदराबाद।
17.2 154 16 गेंदें बाकी हैं इस इनिंग में। बचे हुए 16 गेंदों में कितने रन बना पाएगी हैदराबाद की टीम, देखने वाली बात। कगिस और रबाडा की अगली गेंद पैट कमिंस, बढ़िया बाउंसर और ये वाइड अंपायर का इशारा। तो 17.2 155 पर साथ। तो 16 गेंदें बची हैं पैट कमिंस और शहबाज अहमद के पास, क्या कुछ बड़े हिट लगाकर बढ़िया फिनिश कर पाएंगे अपनी टीम के लिए, देखने वाली बात। अर्शदीप सिंह ने 4 विकेट झटके हैं 3 ओवर में, 14 रन दिए हैं सिर्फ। शानदार स्पेल अर्शदीप सिंह का, बढ़िया बॉलिंग। हर्षल पटेल ने बढ़िया बॉलिंग की है, काफ़ी बढ़िया गेंदबाजी हुई है। और ये विकेट कगिस और रबाडा ने बोल्ड कर दिया है पैट कमिंस को, और ये 8वां झटका लगता हुआ हैदराबाद को, और हैदराबाद की टीम बिखरती हुई यहाँ। पैट कमिंस, कप्तान पैट कमिंस को आउट किया है यहाँ कगिस और रबाडा ने। और 17.3 के बाद 155 पर 8 अब हैदराबाद का स्कोर। तो ये मैच अब पंजाब किंग्स की फेवर में दिखता हुआ, जो कि सिर्फ 2 विकेट बची हैं और अभी भी 15 गेंदें बची हैं। क्या इन 15 गेंदों में कुछ बढ़िया फिनिश कर पाएंगे पैट कमिंस आउट होकर जाते हुए, सिर्फ 3 रन बनाए 4 गेंदें के लिए पैट कमिंस ने। तो अभी भी 15 गेंदें बाकी इस इनिंग में, तो 2 ही विकेट बची है हैदराबाद के पास। क्या 15 गेंद में कुछ अच्छे रन बनाकर एक अच्छा फिनिश कर पाएंगे अपनी टीम के लिए, शहबाज अहमद से सारी उम्मीद होगी। शहबाज अहमद और भुवनेश्वर कुमार क्रीज पर होंगे। अब 15 गेंदें अभी बाकी इस इनिंग में, तो 15 गेंदों में कम से कम 20 से 25 रन बनाने होंगे। अगर 25 रन बना लेते हैं तो 180 का आंकड़ा छू लेंगे भुवनेश्वर कुमार, जो कि बैटिंग कर सकते हैं, और शहबाज अहमद बढ़िया बैट्समैन है। तो उम्मीदें हैं अभी हैदराबाद को, पर कमाल की बॉलिंग चलती हुई कगिस और रबाडा से, काफ़ी बढ़िया ये ओवर चलता हुआ। 4 गेंदें डाल चुके हैं कगिस और रबाडा। तीन रन दिए हैं और एक विकेट भी पैट कमिंस को आउट कर चुके हैं कगिस और रबाडा। तो 14 गेंदें बची हैं अभी इस इनिंग में, क्या इन 14 गेंदों में कुछ बड़े रन बना पाएंगे हैदराबाद के बल्लेबाज या फिर पंजाब किंग्स। एक और शानदार गेंद भुवनेश्वर कुमार के पास, कोई जवाब नहीं इस गेंद का। शानदार गेंदबाजी चलती हुई 17.5 155 पर 8 सनराइजर हैदराबाद। कगिस और रबाडा का शानदार ओवर। तो इसके बाद 13 गेंदें बची हैं, देखने वाली बात होगी कि 13 गेंदों में कितने रन बना पाते हैं। कम से कम 20 रन बनाने होंगे अगर 175 का आंकड़ा छूना है। तो शहबाज अहमद नॉन स्ट्राइकर एंड पर है फिलहाल। तो 18 ओवर के बाद स्कोर है 156 पर 8 सनराइजर हैदराबाद। 18 ओवर 156 पर 8। 12 गेंदें बची हैं अभी इनिंग में, 12 गेंदों में देखना होगा कितने रन बना पाती है हैदराबाद की टीम। भुवनेश्वर कुमार और शहबाज अहमद क्रीज पर है हैदराबाद के लिए। तो बची हुई 12 गेंदों में कितने रन बनेंगे, देखने वाली बात। भुवनेश्वर कुमार 3 बॉल खेल चुके हैं 0 पर, और शहबाज अहमद ने सिर्फ 1 बॉल खेली, अभी 1 रन बनाया है। तो एक ओवर अब 19वां ओवर लेकर आ चुके हैं अर्शदीप सिंह यहाँ। 19वां ओवर डालेंगे इस पारी का अर्शदीप सिंह। 18 ओवर 156 पर 8 स्कोर सनराइजर हैदराबाद का। तो बढ़िया बॉलिंग हुई है पंजाब किंग्स से, खासकर अर्शदीप सिंह से, जिन्होंने 3 ओवर डाले हैं 14 रन दिए हैं और 4 विकेट भी झटके हैं अर्शदीप सिंह ने। हैदराबाद के लिए नीतीश रेड्डी ने बढ़िया बैटिंग की है, 64 रन की पारी खेली। उनके अलावा कोई भी बैट्समैन ज़्यादा बढ़िया रन बना नहीं पाया है हैदराबाद के लिए, इसीलिए थोड़ी ट्रबल में दिखती हुई यहाँ हैदराबाद। और 2 ओवर में कम से कम 20-25 रन बनाने होंगे अगर एक फाइटिंग टोटल रखना है पंजाब किंग्स के सामने। तो 19वां ओवर लेकर आए हैं अर्शदीप सिंह, और 2 विकेट हाथ में हैदराबाद के भुवनेश्वर कुमार स्ट्राइक पर। पहली बॉल पर बढ़िया शॉट, 2 रन मिल जाएंगे। तो 11 गेंदें बची हैं अभी इस इनिंग में, बचे हुए 11 गेंदों में कितने रन बनाएंगे, देखने वाली बात। भुवनेश्वर कुमार और शहबाज अहमद क्रीज पर संघर्ष हैदराबाद के लिए। 11 गेंदों का खेल बाकी, अर्शदीप सिंह कमाल का स्पेल डालाया आज, 4 विकेट अर्शदीप सिंह के नाम। सरदार असरदार
पंजाब किंग्स अपने होम ग्राउंड पर बढ़िया बॉलिंग पंजाब किंग्स से, 11 गेंदें बाकी, और 10 गेंदें बाकी हैं अब 18.2 के बाद 159/8 बची हुई है। 10 गेंदें शहबाज अहमद होंगे अब स्ट्राइक पर अर्शदीप सिंह के सामने। बची हुई 10 गेंदों में कितने रन बना पाती है हैदराबाद, देखने वाली बात होगी।